सिविल सर्विस इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सैयद अली मुश्तबा और मैं आपको आज प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में जो भी कुछ जानकारी है वो देना चाह रहा हूं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो पहला पड़ाव है वो है प्रीलिम्स एग्ज़ाम। प्रीलिम्स एग्ज़ाम में जो है दो पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ पेपर वन और जनरल स्टडीज़ पेपर टू। और जनरल स्टडीज़ पेपर वन जो है वही डिसाइडर है, वही मेरिट बनाता है, वही कट ऑफ बनाता है। तो पूरा जो फोकस है सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स एग्जाम का वो है जनरल स्टडीज पेपर वन, जिसमें आपको 200 क्वेश्चंस में से आपको मतलब 200 मार्क्स मिलेंगे। आपको मार्क्स का पेपर है जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस का आंसर देना है और 100 क्वेश्चंस में अगर आप 200 में से अगर आप 100 और 125 के बीच में आपके आप अगर मार्क्स लेके आते हैं तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हैं। ये उसका जो है मेन फोकस है। और जनरल स्टडीज पेपर टू का ये है कि वो उसमें भी जो है वो 200 मार्क्स का पेपर होता है, लेकिन कंपलसरी उसमें है कि 33% आपको जो है वो आपको स्कोर करना पड़ेगा तभी आप मतलब प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर सकते हैं। 33% से नीचे अगर आप लेके आते हैं तो आप प्रीलिम्स से बाहर हो जाएंगे। तो ये एलिजिबिलिटी है और कैंडिडेट को जो है दोनों पेपर देने हैं मस्ट। आप एक पेपर दे करके सिर्फ जनरल स्टडीज पेपर दे करके आप यू विल नॉट बी इन द रेस फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। यू हैव टू राइट बोथ द पेपर्स। और जो कट ऑफ मार्क है बनेगा मतलब जनरल स्टडीज पेपर वन का, अगर उससे ऊपर आपके मार्किंग है और जो 33% है पेपर टू के लिए तो आप जो है वो क्वालिफाई कर सकते हैं लिखने के लिए मेन्स एग्जाम। सो जनरल स्टडीज पेपर वन जो है वो आपको बताया मैंने कि 200 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे का उसका टाइम होता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और आपको एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर होंगे और आपको जो है एक करेक्ट चूज करना होगा। अगर आपने कोई गलत आंसर अगर आपने चूज कर लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग है। सो इसमें यह है कि जनरल स्टडीज पेपर वन जो है वो मेरिट रैंकिंग के लिए है, जनरल पेपर स्टडीज पेपर टू जो है वो क्वालिफाइंग नेचर के लिए है। जनरल स्टडीज पेपर टू इसको सीसैट भी कहते हैं, ये जो है इसमें भी 200 मार्क्स हैं लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है सिर्फ 80 क्वेश्चंस होते हैं और इसका भी ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का है और क्वेश्चंस जो है इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, उसमें 4 आंसर्स होते हैं, एक आंसर जो है वो करेक्ट होता है और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। तो इवन दो इसके अंदर जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है और आपको सिर्फ 33% मार्क्स लेने पड़ेंगे इसके अंदर, लेकिन ये एसेंशियल है फॉर क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स एग्जाम। और कैंडिडेट जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाएंगे अगर वो 33% से कम मार्क्स लेके आते हैं जनरल स्टडीज पेपर टू। तो ये जो है ये प्रीलिम्स का जो है जनरल आउटलाइन है। अब हम लोग जो है जो सेकंड सेगमेंट है उसका सिलेबस क्या है प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स का सिलेबस जो है वो मतलब बहुत ही विशाल है, बहुत ही मतलब बड़ा है और एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज कवर्ड ऑन द प्रीलिम्स एंड यू जस्ट डोंट नो। आप नहीं जान सकते हैं कि कौन सा सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये तो एक अनडिफाइंड टेरिटरी है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने जो है एक सिलेबस रिलीज किया है जो कि वेरी वेरी मतलब स्केची है, लेकिन फिर भी इसी के गाइडलाइन से और इसी के मतलब दिशा निर्देश से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें जो पहला सेगमेंट है वो है करंट इवेंट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस करंट इवेंट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में। दूसरा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इसमें फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में सवाल आ सकते हैं। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। और पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, ये जो है 5वां सेगमेंट है इसका। जनरल साइंस, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये 6ठा जो है वो सेगमेंट है। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसके बाद आ जाता है डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, ये सब जो है ये 8वां सेगमेंट है। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव ये 9वां सेक्टर है और जनरल साइंस ये 10वां सेक्टर है। तो ये जो है एक गाइडलाइन है आई मीन यूपीएससी के की सिलेबस की तरफ, और आपको इसी के अंदर जो है वो सवालात आएंगे और आपको मतलब उसके लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसपे
ये हम बताने की कोशिश करेंगे कि सब्जेक्ट वाइज क्या वेटेज है, मतलब प्रीलिम्स एग्जाम में अलग अलग सब्जेक्ट के। तो मैंने 4 साल के आंकड़े आपके सामने लाए हैं और उसमें को देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। 2021 में करंट अफेयर से 27 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 10 क्वेश्चन आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 क्वेश्चन आए थे, एनवायरमेंट से 11 क्वेश्चन आए थे। 2020 में करंट अफेयर से अगेन 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 14 आए थे, इकोनॉमी से 10 आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 8 आए थे, इन्वायरमेंट से 11 आए थे, 11 आए थे। 2019 में करंट अफेयर का कम प्रभाव था, 18 क्वेश्चन आए थे, हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आए थे, ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन आए थे, पॉलिटी से 17 क्वेश्चन आए थे, इकोनॉमी से 15 क्वेश्चन आए थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन आए थे और इन्वायरमेंट से 11 क्वेश्चन आए थे। अब यहाँ पे ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो पैटर्न वाइज सब्जेक्ट वेटेज है, ये कोई मापदंड नहीं है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स वाले जो प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन, वो कभी एक सेट पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं और हर साल जो है वो अपना पैटर्न चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर सिर्फ पैटर्न पढ़ के जाएंगे और पैटर्न को ही पढ़ के जाएंगे तो हो सकता है कि उनको बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़े, इसलिए कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो टोटल पैटर्न आप कुछ पढ़ के गए हैं और जो आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उन्होंने नया पैटर्न बना दिया है। तो यूपीएससी जो है वो पैटर्न वाइज स्टडी को डिस्करेज करती है और जो वेटेज के बारे में मैंने आपको बताया, वो वेटेज जो है वो हर साल चेंज होता रहता है, इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए, जिसके ऊपर जो है साइजेबल क्वेश्चंस यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में आते हैं। और इन सबसे जो है, जो सबसे सबसे नंबर वन पे है या जो टॉप ऑफ द चार्ट है, वो करंट अफेयर के मेजर क्वेश्चंस जो आते हैं वो करंट अफेयर्स पे आते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लें नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि जो जो कैंडिडेट्स हैं वो नेगेटिव मार्किंग की परवाह नहीं करते हैं और इन द एंड जो है वो यूपीएससी के ट्रैप पे फॉल कर जाते हैं, और जो वो सही सवाल किया और जो उन्होंने गलत सवाल किया, दोनों मिला करके वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाता है, तो आप कहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग इसीलिए है कि जिस सवाल पे आप श्योर नहीं है उसको आप टिक नहीं कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। तो अब फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर 1/3, एक तिहाई जो है आपका टोटल मार्क्स कट हो जाता है। और अगर आप कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं तो कोई मार्क्स आपका कट नहीं होगा, अगर आप आंसर नहीं करते हैं तो। अब जनरल स्टडीज पेपर 2 में जो है वो एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, और अगर आप उसमें से इनकरेक्ट करेंगे उस क्वेश्चन को, गलत इस पे टिक करेंगे, तो आपका 0.66 जो है उससे डिडक्ट हो जाएगा। तो ये जो है एवरी इनकरेक्ट आंसर, जिस करेक्ट को आप इसको इनकरेक्ट टिक कर दिया आपने, तो 0.66 आपका जो है उससे डिडक्ट हो जाएगा। तो अब उसमें जब फाइनल जब लिस्ट बनती है, तो मान लीजिए कि आपको इतने मार्क्स आपने करेक्ट किए और इतने मार्क्स आपने इनकरेक्ट किए, तो जो आपने मार्क्स करेक्ट किए हैं उनसे माइनस हो जाएगा इनकरेक्ट मार्क्स का। तो ये चीज़ें आपको बहुत समझनी पड़ेंगी कि इनकरेक्ट के जब आप नहीं श्योर हैं, जब आप गेस कर रहे हैं, ये गेस वाले लोगों को एलिमिनेट करने के लिए ये नेगेटिव मार्किंग की गई है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में जैसा कि मैंने आपको कहा कि 33% मार्क्स आपको आने पड़ेंगे आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए, यहाँ भी जो है वो मतलब आपके नेगेटिव मार्किंग है, और यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। इससे अगर आप जो गलत क्वेश्चन पे अगर आप टिक कर देंगे तो 0.833 जो मार्क्स है वो आपके डिडक्ट हो जाए। अब जो फाइनल सवाल आ रहा है कि कट ऑफ पॉइंट क्या बनता है और कितने मार्क्स पे जो है वो हम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो इसका सीधा जवाब यह है कि मेरिट जो मेरिट मार्किंग है जो कि जीएस पेपर 1 है, उसमें अगर 100 से 125 सवाल अगर आपने करेक्ट कर लिए, आपके पूरे मतलब वो सही सवाल हैं, तो आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। अब ये कट ऑफ जो है 2020 का कट ऑफ मेरे पास है, जिसमें जनरल कैटेगरी में 92.51% जो है वो कट ऑफ बना था, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 77.55% बना था, ओबीसी के लिए 89
0.12 बना था और एससी के लिए 74.84% बना था और एसटी के लिए 68.71% बना था। तो आज के लिए इतना ही सिविल सर्विस के लिए। आप सिविल सर्विसेज इंडिया के वीडियो को वॉच करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।